श्री माधोपुर में सावित्रीबाई फुले जयंती के शुभ अवसर पर सर्व समाज श्री माधोपुर के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 51 वर्षों से किया जा रहा है। पिछले वर्ष 1000 यूनिट का रक्त प्राप्त हुआ था। इस बार सर्दी का मौसम होने पर रक्तदाओं का उत्साह भी देखा गया। आयोजन के मुख्य अतिथि ओंकार दास जी महाराज, बावड़ी आश्रम महावीर सिंह जी खर्रा, बालाजी जिम एवं राम नर्सरी, ओम प्रकाश सैनी प्रधान बालाजी नर्सरी, मनोज कुमार सैनी धारिका कैरियर सेंटर, स्टेप बाई स्टेप स्कूल के संचालक महेश सैनी, भगवान डेकोरेशन राजू बागवान, नंद महल मैरिज गार्डन, विकास टेंट, ओपी खंडोलिया आदि लोग वहां मौजूद रहे। सभी रक्तदाताओं को माला पहनाकर प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मां नीमका थाना से आज हम श्री माधोपुर में पहुंचे हैं, जहां पर सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ के आयोजक हैं, उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 3 जनवरी 2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर रक्तदान करने के लिए आते हैं। और यह ऐसा सेवा का कार्य है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और महेश जी सैनी प्रधान जी, राजू जी बागवान, किशन जी, सुरेश जी और सारे कार्यकर्ता हैं, जैसे ओम जी हैं, ललित जी हैं, सागर जी हैं, सभी मिलकर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में वो सफल भी हो जाते हैं। और श्री माधोपुर की जनता का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है कि इतने बड़े रक्तदान शिविर को सफल बनाने में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ज़्यादा जानकारी हंसराज जी भाई साहब देंगे, जो प्रत्येक रक्तदान शिविर में हमारे मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हंसराज जी भाई साहब, महेश जी सैनी, हम थोड़ा जानते हैं कि इस बार इन लोगों का रक्तदान शिविर में कितने यूनिट रक्तदान का रखा गया है, उसके बारे में भी थोड़ा पूछेंगे इनसे। सर, ये सर्व समाज श्री माधोपुर के द्वारा आयोजित होता है माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पे। पिछले 9 वर्षों से लगातार इस कैंप को सर्व समाज के और श्री माधोपुर की समस्त जो जनता है, सभी कॉलेज महाविद्यालय, सभी इंस्टीट्यूट लाइब्रेरियाँ, सारे समाजों के लोगों के द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। अब की बार 3 जनवरी 2024 को इस कैंप में लगभग 2000 से प्लस यूनिट्स का टारगेट रखा गया है। पिछले 15 दिनों से पूरी टीम पूरे तन मन धन से मेहनत करिए और जागरूकता अभियान चला के कैंपेनिंग करके इस कैंप को सफल बना रहे हैं। अभी दोपहर 1 बजे तक लगभग 350 से ज़्यादा यूनिट्स आज यहाँ कलेक्ट हो चुकी है। सुबह से बहुत घना कोहरा और धुंध थी, इस वजह से थोड़ा हमारे रक्तदाता साथी पहुँच नहीं पा रहे थे। बाकी बहुत ही चरम सीमा पर कार्यक्रम हमारा संचालित हो रहा है। शिक्षिका भारत की, उनका जन्मदिन पे आज सावित्रीबाई की फुले के जन्मदिन पे जो रक्तदान शिविर है, पिछली बार भी 1000 के लगभग का टारगेट था, इस बार 2000 का टारगेट है। इसके लिए बहुत सर्व समाज के पूरे इस टीम के सब कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद कि ऐसे ही करते हैं। हर बार समाज सेवा और रक्तदान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, महादान। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को और यहाँ श्रीमाधु की जनता और यहाँ के रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार और आप कब सबका बहुत बहुत आभार की धन्यवाद। माँ सावित्रीबाई फुले जयंती के शुभ अवसर पर जो माने शिक्षा के लिए घर घर जाके उसका अलग जगाया था, उसकी यादगार में हम ये जयंती मनाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये काम करते हैं। धन्यवाद। मोटिवेट के लिए 2016 में 3 जनवरी 2016 से ये कैंप का हमने प्रारंभ किया था, बहुत छोटी सी टीम के साथ किया था, लेकिन आज हर वर्ष हमारे साथ सर्व समाज के सभी लोग, हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोगों के द्वारा इस कैंप को संपादित करने में सहयोग किया जा रहा है। और ये जितना भी कार्यक्रम है, पर्टिकुलर किसी एक जाति या धर्म का नहीं, सभी समाज के, सभी व्यापारी वर्ग के, सभी कॉलेज और शिक्षा विभाग के लोग इसमें हमें सहयोग करते हैं। मीडिया वाले नीम का थाना चाहे मोटरसाइकिल, ये न्यूज़ 24 जो टीम हमारे यहाँ पे
आवाज न्यूज जो अच्छा तीन चार टीम है क्या, आवाज न्यूज, इंडिया क्राइम न्यूज,